हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तनवीर, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बेगमपुर गांव में। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी मस्जिद है। आज वो मस्जिद मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा अच्छी ये मस्जिद है और इस मस्जिद का मैं आपको इतिहास बताऊँगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, और इस मस्जिद का इतिहास जानना दोस्तों आप लोग। और मैं इसका पूरा इतिहास बताऊंगा मस्जिद का। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी दोस्तों ये मस्जिद है। उससे पहले मैं आपको इस मस्जिद का आर्किटेक्चर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इस मस्जिद का इतिहास बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं बेगमपुर मस्जिद। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं हूँ इस समय मेन गेट पर और ये यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं मस्जिद में। और एक ये मस्जिद का आप बहुत बड़ा सा आप गेट देख सकते हैं। और इस मस्जिद में दो मेहराबें आप देख सकते हैं और आर्किटेक्चर आप इस मस्जिद का आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस दोनों साइड का आप व्यू भी आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है और अभी हम चल रहे हैं इस मस्जिद के अंदर और आप लोगों को पूरा आर्किटेक्चर में इस मस्जिद का मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, अभी इसका ये मेन गेट है और आप देख सकते हैं बड़ा सा गुंबद आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो मेहराब है आप वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए कितनी पुरानी कंडीशन में ये मस्जिद हो गई है। और दोस्तों ये सर्किल आप देख सकते हैं, इसमें चारों साइड में जो ये सर्किल हैं इसमें अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा ही पुरानी दोस्तों ये मस्जिद है और इसका एक बड़ा सा गुंबद आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कितनी पुरानी कंडीशन में है। और ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद और अभी अंदर चल रहे हैं और पूरे मस्जिद में आपको एक्सप्लोर कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए अभी दोस्तों मैं अंदर की साइड जा रहा हूँ। तो देखिए देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मस्जिद है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये मस्जिद है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है और कितनी बड़ी मस्जिद है ये और बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। और इसका मैं इतिहास आपको दोस्तों इस मस्जिद का बताऊँगा और अभी पहले पूरा आपको आर्किटेक्चर में इस मस्जिद का दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं और इसका जो बाहर का पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह में है और काफ़ी अच्छी है दोस्तों ये मस्जिद है। बेगमपुर मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो आप आर्किटेक्चर है वो देखिए दोस्तों। और शुरू देखिए दोस्तों, ये सामने जो इसके दर बने हुए हैं, जो इसके मेहराब हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये मस्जिद शुरू हो रही है और इसके ऊपर आप काफ़ी सारे आप गुंबद दोस्तों देख सकते हैं। ये बड़ा गुंबद भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी दोस्तों ये मस्जिद है। और तो दोस्तों आप ये मस्जिद देख सकते हैं कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है। और देखिए दोस्तों, इसकी मेहराबें आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मेहराबें और ये गुंबद आप देख सकते हैं। गुंबद में जो बीच में कारीगरी हो रखी है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी कारीगरी दोस्तों हो रखी है और बहुत ज़्यादा ये पुरानी मस्जिद है दोस्तों। और इस मस्जिद का जो इतिहास रह चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मस्जिद है। अफसोस इस मस्जिद में भी दोस्तों नमाज नहीं होती है। ये भी वीरान मस्जिद पड़ी हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीरान मस्जिद है। और ये देखिए इसका आर्किटेक्चर आप दोस्तों देख सकते हैं, कितना पुराना आर्किटेक्चर इसका मस्जिद का हो गया है दोस्तों। और इसके अंदर काफ़ी सारी मेहराबें दोस्तों बनी हुई हैं इस मस्जिद में। देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी दोस्तों ये मस्जिद है। और ये देखिए दोस्तों इसका आर्किटेक्चर आप दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप पूरा आर्किटेक्चर आप मस्जिद का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये गुंबद आप देख सकते हैं, बहुत सारे इस मस्जिद में गुंबद दोस्तों बने हुए हैं। और ये काफ़ी सारी मेहराबें इसमें बनी हुई हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा ये बड़ी मस्जिद है। अफसोस इस मस्जिद में भी दोस्तों नमाज नहीं होती है। दोस्तों आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं बेगमपुर गांव में, जब आएंगे तो वहीं पर ये मस्जिद है बेगमपुर मस्जिद के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। अफसोस के इस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती है, मस्जिद भी वीरान पड़ी हुई है। दिल्ली में कितनी सारी मस्जिदें हैं जो वीरान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है
कि इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह में दोस्तों ये मस्जिद है और बहुत ज़्यादा अच्छी। तो दोस्तों मैं अभी एक इसका जो बीच का पोर्शन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत बड़ा गुंबद इसमें बीच में बना हुआ है, वो गुंबद मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इसका बीच का पोर्शन, और ये देख सकते हैं ये मेहराब, देख सकते हैं ये दर है, देख सकते हैं आप दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये बीच का पोर्शन है और इसका आप गुंबद भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा गुंबद है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी बड़ा गुंबद है इस मस्जिद का, और इसके चारों साइड में जो आप सर्किल देख रहे हैं दोस्तों वो देखिए, हर मेहराब के ऊपर दो सर्किल आप देख सकते हैं दोस्तों, और उसमें जो है ना काफ़ी अच्छी कारीगरी हो रखी है दोस्तों, और उस पर हर एक सर्किल पे अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और कितनी बुरी कंडीशन में ये हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा ये पुरानी मस्जिद है दोस्तों। और अभी आप ये देख सकते हैं ये मेहराब, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस टाइम में इमाम साहब नमाज़ पढ़ाया करते थे दोस्तों। और ये देखिए ये मेहराब देख सकते हैं कि लाल पत्थर से ये बनी हुई है, और कितनी खूबसूरत मेहराब बनी हुई है, और कारीगरी भी आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दोनों चारों इसके अंदर पिलर बने हुए हैं, और इस पिलर में जो कारीगरी देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी दोस्तों कारीगरी है, और इस मेहराब में भी आप कारीगरी देख सकते हैं। दोनों साइडों में फूल वाले सर्किल बने हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए काफ़ी अच्छी कारीगरी दोस्तों इसमें हो रखी है, और काफ़ी अच्छी ये मस्जिद है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा बड़ी ये दोस्तों मस्जिद है। और इस मस्जिद का दोनों साइड का व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी दोस्तों ये मस्जिद है, और काफ़ी अच्छी दोस्तों ये मस्जिद है। तो दोस्तों ये बेगमपुर मस्जिद है, इसका मैं आपको कुछ इतिहास बता देता हूँ इस मस्जिद का। और बेगमपुर मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से बचने के लिए इसे बनवाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। बेगमपुर स्थिति, बेगमपुर मस्जिद के आसपास की इमारतें लगभग जर्जर हो चुकी हैं। बेगमपुर मस्जिद का भी कुछ हिस्सा ही वर्तमान में ठीक है, ठीक ढंग से दिखाई देता है। बेगमपुर मस्जिद दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध रखने वाली इस मस्जिद में अब नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन ऐसे तथ्य मिले हैं कि एक समय था कि जब इस जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में नमाज हुआ करती थी। दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर गांव में स्थित बेगमपुर मस्जिद एक प्राचीन मस्जिद है, जिसका इतिहास तुगलक काल से जुड़ा है। 14वीं शताब्दी के दौरान निर्मित इसे फिरोज शाह तुगलक के दरबार के प्रधानमंत्री खाने जहाँ जुनाना शाह द्वारा निर्मित 7 प्रसिद्ध मस्जिदों में स्थान मिलता है। बेगमपुर मस्जिद एक भव्य संरचना वाली मस्जिद है, जिसका उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के साथ साथ एक मदरसे के लिए भी किया जाता था। इसमें मदरसा भी दोस्तों चला करता था इस मस्जिद के अंदर। इसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लापरवाही से छोड़ दिया गया था, और इस प्रकार ये समय और विकास के प्रकोप से बचते हुए एक क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। मस्जिद का निर्माण विशिष्ट तुगलक शैली में एक विशाल प्रांगण और मेहराबदारों मठों के साथ किया गया था। पूर्वी तरफ एक विशाल दरवाज़ा है जो मस्जिद में खुलता है, जिसके अंदर लगभग 64 गुंबददार डिब्बे हैं। पश्चिमी तरफ एक प्रार्थना कक्ष है जो मक्का की ओर है, और इसे इमारत का केंद्रीय मेहराब भी है। पूरी मस्जिद के निर्माण में मलबे की चिनाई का उपयोग किया गया है। बेगमपुर मस्जिद का माहौल इसकी संरचना की तरह ही आकर्षक है। मस्जिद का पूरा परिसर बेहद शांतिपूर्ण और हवादार है।
शांति, और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मस्जिद की भव्यता, प्राचीन काल में इसकी प्रासंगिकता को बयां करती है। जाहिर तौर पर मस्जिद महज एक मस्जिद से कहीं ज़्यादा थी। ये तुगलक राजवंश के लिए एक सामाजिक केंद्र था। भले ही मस्जिद अब एक टूटी हुई संरचना के रूप में बनी हुई है, लेकिन इसके वातावरण में शांति और अभी भी उन लोगों को आकर्षित करती है जो शहर की हलचल से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये मस्जिद दिखाई। आप लोगों को ये मस्जिद कैसी लगी मुझे कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना। और बहुत ज़्यादा ये दोस्तों अच्छी मस्जिद थी, और इसका मैंने इतिहास आपको मैंने बताया मस्जिद का, और पूरी जानकारी मैंने आपको इस मस्जिद की दी है दोस्तों। और काफ़ी मस्जिदें ऐसी हैं दिल्ली में जो वीरान पड़ी हुई हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी मस्जिद है, और बहुत बड़ी मस्जिद है, मुग़ल कालीन के दौर की मस्जिद है दोस्तों, वीरान पड़ी हुई हैं। उनमें से एक मस्जिद ये भी, और मस्जिद, और कमेंट में दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मस्जिद कैसी लगी। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना दोस्तों, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।